तेजस वन और तेजस टू के बवंडर से दुनिया में हलचल। रूस, अमेरिका और चीन ने टटोले अपने एडवांस जेट्स, तो वहीं रूस भारत की अगली डील से मच जाएगा हाहाकार। SU-57 छोड़िए, पुतिन सौंप देंगे भारत को SU-75 की तकनीक। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में परमाणु जंग की नौबत आ गई है। कभी अपने परमाणु हथियारों को छोड़ चुके जापान के लिए इस बात की नौबत आ गई है कि उसने पूरी दुनिया को ऐलान करके ये बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो परमाणु तकनीक पर फिर से काम करेगा। वैसे किसी देश का इस तरह से परमाणु तकनीक पर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी ये काम कर रहे हैं जो परमाणु हथियारों में नए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस विश्व शांति के लिए जापान अपने परमाणु हथियारों को छोड़ चुका था, वो देश यदि फिर से परमाणु हथियार विकसित करने की बात कर रहा है तो ये वास्तव में चिंता वाली बात है। वहीं इसके साथ दुनिया में परमाणु मिसाइलों को हवाई लड़ाकू योद्धाओं से फायर करने के लिए सबसे उन्नत विमानों को लेकर भी जंग छिड़ गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा तो चार देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और चौथा देश भारत है। अब फोर्थ जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन के विमान गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब 5 या 5 प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स की बात हो रही है और इन्हें तैयार करने के लिए चारों देश युद्ध स्तर पर लगे हैं। एक तरफ अमेरिका F-22 का भी एडवांस वर्जन निकालने की तैयारी में है, तो रूस SU-57 के बाद SU-75 तैयार कर चुका है। वहीं चीन भी J-20 का एडवांस वर्जन तैयार कर रहा है, तो वहीं भारत भी M-का और तेजस मार्क 2 का तूफान ला रहा है। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल बनता है कि चारों देशों में आने वाले वक्त में किसके पास सबसे ज्यादा उन्नत और एडवांस तकनीक वाला विमान होगा। इस रेस में अब भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में भारत ने दुनिया को आश्चर्य में डालते हुए रक्षा क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि भारत किस तरह से अमेरिका से भी ज्यादा की टक्कर के फाइटर जेट उतारने की योजना बना रहा है, तो वहीं रूस का एक सबसे घातक योद्धा भी भारत में उतरने को बेताब है। ये सब हम आपको बताएंगे, लिहाजा आप वीडियो पर बने रहिएगा। अमेरिका दुनिया को चौंकाने को तैयार, तो J-20 को और एडवांस बना रहा चीन। इधर भारत की भी तैयारी हैरान करने वाली। दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका को लेते हैं, जिसने 2005 में ही पांचवी पीढ़ी का विमान उतार दिया था और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए F-22 रैप्टर को डिजाइन किया। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक लड़ाका है। पांचवी पीढ़ी के इस फाइटर प्लेन में एडवांस एवियोनिक्स सुविधाओं, अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम, स्टिल्थ तकनीक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टर रडार और हाई परफॉर्मेंस एयरफ्रेम जैसे सभी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी अधिकतम गति 2574 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। इसके अलावा अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड को 2015 में शामिल किया गया था। अमेरिका के पास टोटल 850 फाइटर प्लेन हैं। अब अमेरिका बोइंग साब T-7 रेड हुक बना रहा है। वहीं दोस्तों, अगर धूर्त देश चीन की बात करें तो ये भी पर्दे के पीछे J-20 को उन्नत करने की योजना बना रहा है। ले देकर चीन के पास यही लड़ाका है जिनके दम पर वो इतना झल्लाता है। ऐसे चीन के पास 150 फाइटर जेट हैं। J-20 में स्टिल्थ फीचर अमेरिकी लॉकहीड F-22 रैप्टर के मुकाबले थोड़ी कमतर है। पहली J-20 फाइटर यूनिट का गठन 2018 में किया गया था। इस तरह से ये F-22 और F-35 के बाद दुनिया की तीसरी ऑपरेशनल पांचवी पीढ़ी का प्लेन बना था। अब चीन दूसरा पांचवी पीढ़ी का विमान शेनयांग FC-31 ग्रिफोल्कन बना रहा है। वहीं दोस्तों, भारत के दोस्त रूस की बात करें तो रूस ने इस दिशा में अच्छी प्रोग्रेस की है और S-57 विमान शानदार ताकत के साथ उतारे हैं। हालांकि अभी तक रूस ने 10 ही ऐसे SU-57 बनाए हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक बताए जा रहे हैं। रूस ने इसे सीधे अमेरिका के F-22 रैप्टर से मुकाबले के लिए तैयार किया है और ये इस काबिल है भी। पिछले साल ये रूसी वायुसेना में शामिल हुआ है। ये फाइटर प्लेन में सतह से जमीन और हवा से हवा करने में सक्षम है
वहीं रूस अब सुखोई SU-75 पर भी काम कर रहा है, जिसे रूस का चेकमेट लड़ाकू विमान भी कहा जा रहा है। चेकमेट की रेंज करीब 2800 किलोमीटर की है। चेकमेट लड़ाकू विमान अपने साथ 7400 किलोग्राम तक के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। सबसे ज्यादा गर्व करने वाली बात यह है कि अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक विमान F-22 रैप्टर को मात देने वाले इस SU-75 चेकमेट को रूस ने सबसे पहले भारत को देने का प्लान बनाया है और जल्द ही इसकी तकनीक पर भारत और रूस के बीच डील हो सकती है। भारत भी तैयार कर रहा एमका और तेजस। दोस्तों, एक ओर जहां भारत से SU-75 चेकमेट की तकनीक हासिल करने की डील कर सकता है, तो वहीं भारत खुद ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट एमका और तेजस मार्क टू विकसित कर रहा है। भारत ने एरो इंडिया 2013 में पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। 2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका नाम दिया गया है। ये विमान बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस विमान पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन को BVR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा और साथ ही इसे स्टिल्थ एयरफ्रेम के साथ ही नेट सेंट्रिक वारफेयर सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर से भी लैस किया जाएगा। दोस्तों, गर्व कीजिए इस बात पर कि देश में बनने वाले AMCA अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ देगा। AMCA की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वहीं अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMCA रेंज में अमेरिकी F-35 के 2800 किलोमीटर के मुकाबले 3240 किलोमीटर रेंज वाला होगा। भारतीय फाइटर प्लेन की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, वहीं F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, भारत के स्वदेशी प्लेन एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 की ऊंचाई 14.4 फीट है। यानी भारत आने वाले दिनों में दुनिया को सरप्राइज देने वाला है। खैर दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि भारत कब तक इस मामले में अमेरिका को पूरी तरह से पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर लेगा।